अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैं बादलों के बीच हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। और दोस्तों, अभी आप देख रहे हो कि मेरे पीछे हो रही है शाम और मैं खड़ी हूँ ऋषिकेश के तपोवन घाट पे। जैसे कि आपको पता ही है कि ऋषिकेश फेमस है अपनी खूबसूरती के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं ऋषिकेश की नाइट लाइफ एक्सप्लोर करूं और आपको भी दिखा रही हूं कि ऋषिकेश की नाइट लाइफ कैसी है और कैसा लगता है ऋषिकेश रात को। तो चलिए दिखा रही हूं मैं आपको तपोवन घाट, जहां पे मैं अभी खड़ी हूं। यहां पर है माँ गंगा और पीछे है मेरे त्र्यंबकेश्वर मंदिर, तो इनके मैं आपको दर्शन कराती हूँ। आइए चलिए। बादल तो बहुत ही सुहाना सा अच्छा सा मौसम हो रहा है। यहाँ से आपको बिल्कुल लक्ष्मण झूला भी साफ साफ दिखता है, जो कि अभी बंद हो चुका है। उसी के बराबर में बन रहा है हनुमान सेतु, तो उसका भी मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगी कि कितना बन चुका है और कितना रह रहा है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि इस वक्त ऋषिकेश में किस तरह से जो बादल हैं वो बिल्कुल गंगा जी के ऊपर बैठे हुए हैं। तो बहुत ही अमेजिंग ये वाला जो है वो एक्सपीरियंस है। अगर आप ऋषिकेश में आए हैं तो आपने भी जरूर फील किया होगा ये वाला मौसम, तो बहुत ही अल्टीमेट सा मौसम हो रहा है। देख सकते हैं भगवान विष्णु के चरणों की सेवा करती हुई माँ लक्ष्मी। तो दोस्तों, यहाँ का मैंने आपको हाल दिखा दिया। अब चलते हैं यहाँ से रामझूला की तरफ। यहाँ का जो एरिया है, यहाँ पे अभी थोड़ी जो चहल पहल है वो कम हो चुकी है, क्योंकि लक्ष्मण झूला जो है वो बंद हो चुका है और यहाँ पे अभी नया हनुमान सेतु बन रहा है। तो जब तक वो नहीं बनता है तो यहाँ पे थोड़ा जो आवाजाही है वो कम है, चहल पहल कम है, लेकिन हाँ, नज़ारे तो अल्टीमेट और खूबसूरत है ही। तो यहाँ से अभी हम चलते हैं रामझूला की तरफ और रामझूला की तरफ का नज़ारा दिखाते हैं, चलिए। तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं उस पॉइंट पर जहां बन रहा है हनुमान सेतु, बजरंग सेतु या हनुमान सेतु कुछ भी आप कह सकते हो। और देखिए, बराबर में ही है लक्ष्मण झूला, जो कि काफी टाइम पहले रिटायर हो चुका है। एक टाइम था कि यहां पे हजारों लोग जो है वो इसके ऊपर से निकला करते थे, लेकिन अभी देखिए बिल्कुल रिटायर हो गया है, बंद हो गया है। और जो ये बराबर में बन रहा है बजरंग सेतु, इसका भी काम जो है वो अभी प्रोसेस में है। आप देख सकते हो कि अभी जो है सिर्फ पिलर ही बने हैं और ज्यादा काम अभी नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अभी जो गंगा जल का लेवल है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो इस वजह से इस काम में थोड़ी देरी हो रही है। थोड़ा गंगा जल कम होगा, थोड़ा सर्दियों का टाइम आएगा, उस टाइम पे जो काम है वो बहुत जल्दी होगा। और उधर की साइड तो अभी इतना भी नहीं हुआ है जितना आपको इधर देखने के लिए मिल रहा है। और यकीन मानिए दोस्तों, जब ये पुल बन के तैयार होगा ना, तो ऋषिकेश की खूबसूरती में और चार चांद लग जाएंगे। तो दोस्तों, अभी हम आ गए हैं शत्रुघ्न घाट पे। देखिए गाइस, ये है सामने जानकी पुल और नीचे है माँ गंगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि कितनी ज्यादा तेज उफान में यहाँ पे गंगा जी जो है वो बह रही है, और लहरें देखिए आप कितनी ऊंची ऊंची उठ रही है, और शोर भी आपको सुनाई दे रहा होगा। सामने है ये मात निकेतन, उस साइड वाली जगह तो अभी बिल्कुल बंद हो चुकी है, और इधर है रामझूला। तो देखिए, यहाँ से आपको रामझूला बिल्कुल साफ दिख रहा होगा, तो बिल्कुल स्वर्ग वाली फीलिंग आ रही है आप कह सकते हो। और साथ ही में मिल रहा है ये माँ गंगा का सानिध्य। इस वक्त जो गंगा जी है वो पूरे उफान में है, क्योंकि रात का टाइम है और पूरा जल जो है वो भरा हुआ है। और दोस्तों, आपको जो ये बादल दिख रहे हैं, मुझे नहीं पता कि आपको ये वीडियो में इतने विजिबल हो रहे हैं या नहीं,
लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैं बादलों के बीच हूँ। ये जो बादल है ना, ये मुझे से छू के जा रहे हैं ना, मेरे बीच से निकल रहे हैं ये बादल, तो बहुत ही ज्यादा जो कहते हैं ना कि स्वर्ग की स्वर्ग वाली अनुभूति हो रही है। इतनी रोमांटिक और सुहानी सी ये रात हो रही है। ऐसी रात आपको सिर्फ मानसून के मौसम में ही मिल सकती है। जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो ऋषिकेश की बनाई है, मैंने मोस्टली जो वीडियो है वो सिर्फ दिन में ही बनाई है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक रात का भी व्लॉग बनाऊं और उसमें आपको ऐसे खूबसूरत नज़ारे दिखाऊं। दोस्तों यहीं से मैं आपको जानकी पुल दिखाने की कोशिश करूं तो देखिए सामने जो लाइटें जल रही हैं ना, वही है जानकी पुल। और यहां पे आपको नीचे मिल रहा है माँ गंगा का नजारा रात के टाइम पे, और इस वक्त आप माँ गंगा का संपूर्ण रूप देख सकते हो और उनका आनंद ले